قلبي جد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبخترت رجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है आप सब का। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम आए थे अभी रात को वॉक करने के लिए। मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ जापान की नाइट लाइफ शेयर की जाए, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और बहुत ही पुरसकून और खामोशी वाली होती है। अगर आप टोक्यो चले जाए ना, तो वहाँ की नाइट लाइफ यहाँ से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है और बहुत अलग ही माहौल होता है वहाँ का। बट यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है और यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं, तो इससे यहाँ पे रात के टाइम बिल्कुल रश नहीं होती और बहुत ही ज़्यादा खामोशी होती है। सो हम आज आए थे वॉक पे और बेसिकली हम जो आए थे वो 7-Eleven पे। मैंने पेमेंट वगैरह करनी थी कुछ, तो मैंने सोचा कि पहले 7-Eleven चलते हैं और फिर हम जाएंगे डंकी होते में, और मैं आपको डंकी होते का भी थोड़ा सा विज़िट करवाऊँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे नफीसा का फ़ोटोशूट भी चल रहा था। यहाँ पे आप जब भी आएंगे ना, आपको यहाँ पे हमेशा गाड़ियाँ खड़ी नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पे पास स्टेशन है। तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये ऊबर्स वाली हैं और ये हमेशा पिक एंड ड्रॉप की सर्विस के लिए यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। सो अभी हम जा रहे हैं 7-Eleven, और 7-Eleven से मैंने ऑनलाइन जो शॉपिंग की थी उसकी पेमेंट करवानी है। सो चलते हैं 7-Eleven। فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبخترت رجل। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मोस्ट फेवरेट व्यू। ये भी मैंने आपको मॉर्निंग के ब्लॉग्स में एक दो दफ़ा दिखाया है, बट आज फर्स्ट टाइम आपको मैं यहाँ का नाइट व्यू दिखा रही हूँ। तो यहाँ का नाइट व्यू भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी हम जा रहे हैं डंकी होते की तरफ, और डंकी होते जाने के लिए हम यहाँ से गुजर कर जाते हैं। और यहाँ पे हमेशा रश होती है क्योंकि साथ स्टेशन है, तो कुछ लोग आ रहे होते हैं और कुछ लोग जा रहे होते हैं। सो इस वजह से यहाँ पे हमेशा रश ही होती है, और शाम के टाइम पर और सुबह के टाइम पर तो बहुत ही रश होती है, क्योंकि सुबह जो होता है वो कुछ लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, कुछ लोग स्कूल जा रहे होते हैं, और शाम के 5 बजे से 6 बजे के टाइम में भी बहुत रश होती है। और अभी हम डंकी होते आ गए थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल चल रही थी, क्योंकि सीज़न एंड था, समर का एंड था और विंटर स्टार्ट हो रही थी। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लगा हुआ था, और यहाँ पे हम मिरर सेल्फी लेने की नाकाम कोशिश करते हुए, और यहाँ से हमने लेना कुछ भी नहीं था, जस्ट हम यहाँ पे विंडो शॉपिंग को एंजॉय कर रहे हैं। और विंडो शॉपिंग ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जब आपने शॉपिंग करनी होती है ना, आपको बहुत अच्छे से आइडिया होता है आपको क्या चीज़ कहाँ से बहुत अच्छी मिल सकती है। सो यहाँ पे मैं आपको बहुत क्यूट क्यूट से मेकअप प्रोडक्ट दिखाती हूँ। यहाँ पर लिपस्टिक वगैरह, लिप टिंट वगैरह की बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन थी और बहुत ही क्यूट स्टाइल में थे। और मोस्टी के साथ ना BTS वगैरह के पिक्स भी लगी हुई थी, क्योंकि जो BTS के डाईहर्ट फैन होते हैं ना, वो बस BTS की तस्वीरें देख के चीज़ें बाय कर लेते हैं। बाकी कंट्रीज़ की तरह जापान में भी BTS को बहुत फॉलो किया जाता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही अमेजिंग मेडिकेटेड स्किन मास्क, और ये बहुत ही अमेजिंग है, और इनकी प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल थी। और इनके साथ इनके छोटे छोटे पैक्स भी दिए हुए थे जो कि 100 Yen में थे। तो अगर आपने अपनी स्किन जिनकी सेंसिटिव है, तो आप 100 Yen में एक मास्क पहले ले लें, उसको अपनी स्किन में अप्लाई करें, अगर वो आपके स्किन पर सूट करता है देन आप दूसरे मास्क अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। और आज ना मुझे हर तरफ जस्ट लिप टिंट ही नज़र आ रही थी, तो आज मैंने लिप टिंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया और इनकी बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन थी। تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل
यहाँ पे हम लिप टिंट को बाय बाय करेंगे और अब हम आते हैं फाउंडेशन एंड बीबी क्रीम की तरफ। और अगर मैं आपको बीबी क्रीम का रिव्यू दूँ तो बीबी क्रीम बहुत ही अमेजिंग है, बिल्कुल आपको नो मेकअप वाला लुक देती है। और फाउंडेशंस बाकी सबका तो मुझे आइडिया नहीं, मैंने रेवलॉन वाला यूज़ किया है तो रेवलॉन वाला फाउंडेशन जो है वो बेस्ट है, लेकिन आपको अपनी स्किन के शेड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है। अगर आप अपनी स्किन शेड के अकॉर्डिंग देते हैं वो आपको 100% रिजल्ट देगा। और मैं ये नहीं कहती कि आप रेवलॉन का ही लें, आप किसी भी अच्छी कंपनी का लें, बट अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लिया करें हमेशा। और अब हम चाह रहे हैं घर की तरफ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और उसके अलावा लास्ट वीडियो पे आपके इतने अच्छे रिस्पांस का बेहद शुक्रिया। रिस्पांस इसलिए नहीं कि व्यूज़ ज़्यादा हैं, लेकिन आपने कमेंट्स पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए बेहद शुक्रिया। और मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि आप लॉन्ग वीडियो बनाया करें, तो मैं कोशिश करूँगी कि लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, बट वीडियोज़ में उस कंडीशन में बनाऊँगी जब आप मेरी वीडियोज़ को कम्प्लीट एंड तक देखेंगे, देन मैं इंशाल्लाह लॉन्ग वीडियोज़ भी बनाया करूँगी। आप मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके अलावा अब यहाँ पर हम अपने व्लॉग को एंड करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبخترت رجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح